आपका पहला और आखिरी सवाल ये रहा, ये एक इंडिया में प्रोग्राम आता था कौन बनेगा करोड़पति, इसकी हमने पैरोडी पहले भी बनाई थी, तो ये एड जो था ये हमने सोचा कि इसी को पैरोडी के स्टाइल में किया जाए उसी प्रोग्राम की, तो बड़ा मज़ेदार लगेगा। तो जब आइडिया बनाया और लिखा गया तो बड़ा फनी लगा, फिर हमने उसकी एग्जीक्यूशन पे काम शुरू किया। जो होस्ट का था कैरिकेचर वो फैसल सबसे अच्छा करता था, तो उसके लिए हमने कोशिश की कि हम जैसे गेम शोज़ के सेट होते हैं बहुत एलैबोरेट से और लिट अप और लोग भी बैठे हुए हैं और मतलब ग्रैंड लुक उसकी काम वो रहे, और उसके अलावा ये कि बीच में जो कंटेंट था वो बेसिकली थोड़ी सी पैरोडी भी थी, तो वो थोड़ा मुश्किल था करना। शूटिंग ज़रा टायरिंग हो गई थी, क्योंकि एक तो सारा दिन स्टूल पे बैठे बैठे एहसास हुआ कि जो असल में गेम शो करते हैं उनको कितनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है जो होस्ट होते हैं असल इस गेम शो के, और दूसरा इसमें तकलीफ़ दे बात थी वो थी विग, जो मैंने विग लगाई हुई थी वो इतनी हैवी थी कि सर घूम रहा था रात तक। इसमें जो हमारे DOP था वो केल्विन था, केल्विन की खास बात ये कि उसकी लाइटिंग वगैरह बहुत शार्प और बहुत टू द पॉइंट होती है, तो जिस वक्त उसने लिटअप कर ली पूरी लाइटिंग कर दी अपनी, तो मैंने उसे कहा कि आपने लाइटिंग वगैरह, उसने कहा लाइटिंग होगी बस मुझे इतनी लाइटिंग चाहिए अब आपकी बाकी सेट की लाइट मैं यूज़ करूँगा, लेकिन वो जब निकल कर आई पिक्चर तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि वो बिल्कुल उसकी लुक जो थी वो $1 million लुक थी उस हेड की, और जो उसमें बात हो रही थी वो उतनी ही ह्यूमरस और फनी थी, जो कि मुझे मतलब मेरा आप समझ लो मेरे पर्सनल फेवरेट यूफोन के एड्स में से एक पर्सनल फेवरेट एड है। इसकी जो एक एंडिंग थी जिसमें मैं डांस कर रहा होता हूँ और गाना गा रहा होता हूँ यूफोन तुम ही तो हो, वो आइडिया जब पेपर पे लिखा गया था तो इतना मज़े का नहीं लग रहा था, और ख्याल था कि शायद ये निकाल दिया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल था कि जब ये परफॉर्म करेंगे तो ये मज़े का लगेगा, तो जब ये परफॉर्म करके बना तो ये बड़ा अच्छा बना। वैसे इसकी बहुत सारी एंडिंग्स बनी थी लेकिन हम लोगों ने लगाई दो ही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंडिंग में कन्फ्यूजन भी हो जाती है, और ये दो हमें सबसे बेहतर लग रही थी, तो एंड में एहसन ने कहा कि ये दो होनी चाहिए। आपका पहला और आखिरी सवाल ये रहा, चपुकरण के अनुपरण में यूफोन सिम का अनुपाल 1,00,000 मिनट एवक 300 मिनट मुरकरण है। आपकी जो यूफोन सिम यकुम दिसंबर से इस्तेमाल में नहीं है उसे अभी से इस्तेमाल करने पर आपको मिलेंगे 6 माह में 300 मुफ्त मिनट, इसके साथ साथ आप जीत सकते हैं 1,00,000 तक मुफ्त मिनट। तो क्या आप अभी अपनी यूफोन सिम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? ए हाँ, बी बिल्कुल, सी जाहिर है, या डी अम्मी से पूछ के बताऊंगा। अम्मी से पूछ के बताऊंगा, यानी कि ऑप्शन डी। नहीं, वाकई अम्मी से पूछ के बताऊंगा। अम्मी जी बेटा, मगर आप लोग अम्मी से पूछे बगैर अपनी यूफोन सिम दोबारा इस्तेमाल में ले आए और पैसे बचाएं अपने लिए, अपने फोन के लिए। हाय भैया, यूफोन तुम ही तो दिन तड़कड़ तीड़ी पापा, वेलकम बैक। हर बात तू अपनी माँ से पूछता है, बेगम संभालो अपनी हालात को, मुझे नहीं करना है।